गुरुवार को हुए आईपीएल नीलामी में कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम आया। मैक्सवेल और क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी बड़ी रकम में बिकते दिखाई दिए। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम भी आया जो भारत में पले बड़े लोकल टैलेंट हैं। लंबे संघर्ष के बाद जिनको आईपीएल में बड़ा मौका मिला, मालामाल भी हुए और साथ ही तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बन गए। और उनमें से एक नाम है चेतन सकरिया का। आईपीएल नीलामी 2021 के दौरान राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने चेतन सकरिया को 1.2 करोड़ की कीमत में खरीदा। वो 18 फरवरी के दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता मिल गया। आईपीएल तक पहुंचना चेतन सकरिया के लिए किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था, लेकिन ये सफर काफी मुश्किल भरा रहा। 2 साल पहले उनके पिता ने टेम्पो ड्राइवर की नौकरी छोड़ी ताकि वो गुजरात के वर्तेज शहर में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। 5 साल पहले उनके पास टीवी नहीं था, तब चेतन दोस्त के घर पर क्रिकेट देखा करते थे। चेतन सकरिया के मुताबिक उनके भाई ने जनवरी 2021 में खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त वो अपने घर में नहीं थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे। जब चेतन घर लौटे, उनके पिता ने ये दुखद खबर उन्हें सुनाई। चेतन सकरिया आईपीएल 2020 में आरसीबी के साथ खेलते हुए यूएई गए थे। वो इस टीम में बतौर नेट गेंदबाज शामिल किए गए थे। इस रोल में उन्होंने कोचिंग स्टाफ साइमन कैटेज और माइक हेसन को अपना मुरीद बना लिया था। चेतन सकरिया कहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके पिता को काम करना पड़े, वो खुद अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं। चेतन की ख्वाहिश है अपनों के लिए एक सपनों का घर खरीदना।